भाई मैंने आपको लास्ट टाइम पर जो प्रॉपर्टी बताई थी वो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, हम इसकी बात कर रहे थे। आर इक्वल टू प्लस माइनस बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई बी वाई एक्स, इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। अब मुझे ये बताइए कि इस प्रॉपर्टी में से आपको ये हमने जो प्रॉब्लम की थी, जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अभी मैंने बोला रिग्रेशन इक्वेशंस आर गिवन बाय, रिग्रेशन इक्वेशंस आर गिवन बाय 5x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 और 8x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0, फाइंड आर। तो मुझे आर की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे? देखो क्या बोला था मैंने, 5x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। सपोज मैंने इसको y x on y मान, लेट दिस इक्वेशन बी x on y, तो सभी बोलेंगे बेटा बी एक्स वाई कितना आ गया, बोलिए 3/5। तो सेकेंड इक्वेशन हमने मान ली 8x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0, और सपोज मैंने इसको वाई ऑन एक्स मान, मानना ही पड़ेगा जब ऊपर वाला एक्स ऑन वाई माना, तो इसका बी वाई एक्स क्या होगा बेटा, बताओ क्या होगा बी वाई एक्स? 8/9। अब क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, देखो भाई 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 8/9, ये हमारा 1 से कम आ रहा है, तो मतलब बहुत सही माना। तो बेटा आर पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ रहा है, 3/5 इंटू 8/9। चलो निकाल के बताओ, 24/45 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? 0.73 लिख देते हैं। ये हमारा इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट है, दिस इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो बेटा अभी अब क्लियर है ये सारी चीजें जो मैंने बताई अभी तक? यस सर, यस सर। तो आप रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये था भैया, और बता रहे सर 16 2021 में प्रॉब्लम आई थी, ठीक है बेटा 16 2021। अब एक मिनट के लिए मेरे पास रुको बेटा, 2 मिनट के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा होगा नहीं मेरे पास यार कोरिलेशन रिग्रेशन, कोई बात नहीं 2 सेकंड रुको मैं डाउनलोड कर लूँ। नहीं 20 भी करवा देंगे कोई दिक्कत। क्या मामला है? ऐसा भी होने लग गया आज, कोई बात नहीं इधर से कर लेते हैं। चलो दिख रहा है सबको, अरे बेटा ये शेयरिंग में चल रहा है ना, दिख रहा है ना आपको ये? यस सर, यस सर।
हाँ अब बोलो कौन कौन सा। 16 और 21। देखो 16 में क्या है कि 16 क्या बोल रहा है यहाँ पर ही बता रहा हूँ मैं, 16 ये वाली प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। ये बोल रहा है हमें क्या निकालना है y on x, तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए और बी यहां से निकलेंगे, ये रहे a और b, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर, फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 a प्लस 20 बी इक्वल टू 8। सेकंड वाले को एजीडी लिखा रहे, सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस 5 बी इक्वल टू माइनस 50, तो बी का वैल्यू क्या आ गया बेटा बोलिए, 3 आ गया। बी का वैल्यू किसी में भी रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, 5 ए प्लस 10 इंटू 3, तो 5 ए इक्वल टू 40 माइनस 30, तो ए का वैल्यू 2 आ गया। सो व्हाट इज द इक्वेशन, y इक्वल टू ए की वैल्यू 2 आ रही है और b की वैल्यू 5 आ रही, 3 आ रही है, कौन सा इक्वेशन हो गया, सी आ गया। सभी को समझ में? यस सर। चलिए लिख लीजिए बेटा इसको सॉल्यूशन, ये था हमारा 16, कॉपी कर लीजिए जिस जिसको करना, ये हमारा आंसर नंबर 16। सिक्सटीन के बाद 21, 21 से पहले और कोई? सर 17। 17 बेटा 17 क्यों पूछा तेने? समझ नहीं आ रहा। अरे गजब कर रही है यार, अर्थमेटिक मीन निकालना, वैल्यू रख रख के दे भाई, कल बताया तो था क्लास में भाई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 इसमें रखो, देखो फर्स्ट वाले में क्या सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सेकंड वाले को कर रहा है बिल्कुल, अब बताने की जरूरत ही नहीं, यही आंसर है। क्या दिक्कत क्या है बेटा ये बता तू मुझे। सर वो जब आपने पढ़ाया ना तो आधी क्लास मिस हो गई थी, मतलब स्टार्टिंग का। हाँ तो बेटा इसमें क्या होता है, जब अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो चारों वैल्यू को रख रख के देखो, जैसे पहला वैल्यू है एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू -1 है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसलिए यही आंसर, क्लियर है? ओके सर। चलिए 17 के बाद 19 किसने बोला? सर मैंने ही बोला था। क्या दिक्कत आई तेरा, मतलब कंफ्यूजन क्या आई बता मुझे। डी ही आएगा, हाँ बिल्कुल डी ही आएगा आंसर 19। क्यों डी आएगा, इधर देखो इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा, इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा, तो ऐसी कोई इक्वेशन पॉसिबल है कि जिसका रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव आए? नहीं है इसलिए नन ऑफ दिस भाई, या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे, या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे, क्लियर है? यस सर। चलिए 21 आपने बोला है, ये क्या बोल रहा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना है इसका, 21 देखना बेटा, जिसका जिसने पूछा कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.75, रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई निकालना है, तो बेटा बी एक्स वाई क्या होता है, अच्छा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, आर इक्वल टू बोला हूं ना डायरेक्ट, अच्छा ये कौन सी इक्वेशन की बने, वाई ओन एक्स, वाई ओन एक्स से बेटा इसकी, वाई ओन एक्स से मुझे बी वाई एक्स निकाल के बताओ, इस वाले इक्वेशन से 5/4 बिल्कुल सही है 5/4, अच्छा मुझे आर पता है क्योंकि आर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आएगा आपका बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, स्क्वायरिंग कर दो,
बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स वाई आर स्क्वायर, बेटा आर स्क्वायर करो 0.75 का स्क्वायर करना कितना आ रहा, 0.75 का स्क्वायर करो कितना आ रहा, 0.5625 इक्वल टू बी वाई एक्स आ रहा हमारा 5/5, इससे बी एक्स वाई निकालना भाई कितना आ रहा 0.45. किसने पूछा था बेटा? यस सर आ गया, आ गया। किसी को दिक्कत और बेटा, किसी और को कोई प्रॉब्लम? सर एक बार 15 भी बता दो, 15 बता दो, पहले इसको लिख लें दो सभी को, फिर बात करें। और इस पेज में और कोई, एक काम करो आप 23 भी देख लो बेटा यहीं के ये, ताकि कोई नहीं पूछे फिर 23 मुझसे, क्योंकि मैंने दिया नहीं था लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं फिर देखिए आप 23 इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x, y on x गिवन है आपको -3/4 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y √3/2 गलत दे रखा है बेटा। अब इसमें क्या गलती दे रखी बताओ मुझे, कोई बताएगा? इसने कोरिलेशन कोफिशिएंट √3/2 गिवन है, तो मुझे मैंने बोला ये क्वेश्चन गलत है, कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन है, बताओ क्या करेक्शन होगा भाई? करेक्शन आप बताओ मुझे क्या होगा? कोफिशिएंट कोरिलेशन भी y एंड x का होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं। अच्छा बी बाई एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव? सभी बोलो बेटा बी बाई एक्स नेगेटिव आ रहा है ना आपका? हाँ सर। तो फिर आर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ये गलती है इसके अंदर, तो इस गलती को सुधारने के लिए आप एक काम करो इसको प्लस कर, ये करेक्शन कर दो, ठीक है? क्लियर है? यस सर। देखो आर गिवन है आपको √3/2, अब मुझे निकालना है और आपको गिवन है वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई 4 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 2 होगी। यस सर। वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, तो कुल मिला के बात ये है आपको ये फॉर्मूला लगाना है बेटा, याद आया? आर एस वाई अपॉन एस एक्स, याद आया? यस सर। बी वाई एक्स की वैल्यू है 3/4, आर की वैल्यू है √3/2, एस वाई की वैल्यू 2 है, एस एक्स की वैल्यू निकाल, तो एस एक्स की वैल्यू हो गई 4√3/3, स्क्वायरिंग कर दो तो वेरिएंस एक्स आ गया 16 × 3/9, सो व्हाट इज द वेरिएंस एक्स? 5.33। नहीं नहीं 16/3 दे तो रखा है बेटा, निकाल क्यों रहा है यार? ये तो गलत बात है यार, 18 जने बचे हैं, 20 ने ज्वाइन किया था, 2 जने गायब हो गए, फिर ऐसे तो मैं क्लास लूंगा ही नहीं, क्या मतलब है? क्या मजाक समझ रखा है ये लोगों ने भैया? आपको लगता है आपको सुबह पढ़ना है तो सुबह पढ़ो, बीच में उस टाइम पे तो मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन क्लास तो सबको अटेंड करनी चाहिए ना। मुझे पता कौन कौन ने नहीं की, बहुत लोग हैं। ये देव कहाँ है? देव गायब है, दीपिका गायब है, अधिभा गायब है, अधिभा तो बहुत दिनों से गायब है,
महक गायब है, मुदित गायब है, बिल्कुल सही है, मुदित गायब है। और भी है, लिखो लिखो इन चारों के नाम लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ और भी बताओ मुझे कौन कौन गायब है। लिखो अधिबा, महक, मुदित, माधव, और क्या बोला था मैंने अभी, दीपिका, ये बेटा प्रशांत, प्रशांत तो है यार, क्या कर रहा है अरशद, दीप, हाँ दीपशिखा, दीपिक्सा, ये लिख के मेरे को देना बेटा प्रशांत। ओके सर। चलिए भाई आगे देखो, ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 23, किसी को दिक्कत बोलिए। यस सर। अच्छा 24 में कोई दिक्कत, देखो 24 क्या बोल रहा है, इफ y इक्वल टू 3x प्लस 4, चलो y इक्वल टू 3x प्लस 4 इज ए रेगुलेशन लाइन ऑन बायो ऑन एक्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ x इज -1, तो इसमें रख दो बस -1, अर्थमेटिक मीन -1 इसके अंदर रख दो। बोलो y का मीन कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है सर, 1 आ रहा है, बस ये काम करना। चलिए एक लास्ट 15 और पूछ रहा है तो वो बताओ, 20 भी, 20 भी बताऊं बेटा, 20 रुक तो जा बेटा, 20 तो मैंने अभी बताया नहीं, कहां से बताऊं, अभी तो प्रॉपर्टी बताना तो दे, 20 वाली प्रॉपर्टी अभी मैंने नहीं बताई, अभी प्रॉपर्टीज बाकी हैं उसमें आएगा वो, ठीक है। बेटा दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, x और y, डिक्रीज हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज, एक इंक्रीज हो रहा है, ये तो इंक्रीज हो रहा है, देखो ये तो इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, अच्छा फिर इंक्रीज हो रहा है, यार इसमें कोई 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 कोरिलेशन तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये कहीं पे इंक्रीज हो रहा है कहीं पे डिक्रीज हो रहा है, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्या, मैं वही तो बता रहा हूँ, आंसर क्या इसका जीरो दे रखा है क्या, यस सर जीरो, आंसर जीरो है, वो इसका रीजन ये है ना कि क्योंकि यहाँ डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, कभी इंक्रीज हो रहा है और कभी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए सोल्व तो नहीं करना पड़ेगा बेटा, देखो परफेक्ट नेगेटिव सर, ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे तो वो पूरा जीरो आ रहा है न्यूमरेटर, हां सर कैसे ऊपर का सर सॉल्व करने पे जीरो आ रहा है, उससे अपीयर से n सिग्मा xy - सिग्मा x सिग्मा y की बात कर रहा था, यस सर, लेकिन वैसे भी देखना बेटा 1 तो हो नहीं सकता, 1 कब होता है, जब परफेक्ट पॉजिटिव होता है, ये इंक्रीज हो रहा है ये भी परफेक्ट इंक्रीज हो रहा होता तो 1 होता, तो 1 हो नहीं सकता, माइनस वन नहीं हो सकता, माइनस वन कब होता है, ये इंक्रीज हो रहा है और ये पूरा डिक्रीज हो रहा है,
माइनस 0.5 भी नहीं हो सकता, माइनस 0.5 तब होता है एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उनके बीच में मतलब चेंजेस हो रहे हैं, मतलब डिक्रीज हो रहा है लेकिन ये, इसलिए हम इस तरह को क्वेश्चन को हम बोल तो सकते हैं कि जीरो आएगा आंसर, क्योंकि लास्ट वाला जो वाई है वो देखो पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये काम करना पड़ेगा। चलिए वापस से अपन आ जाते हैं अपने दूसरी जगह पर। अब इसी पे कुछ प्रॉब्लम और करवा रहा हूं, पहले एक स्टाम्प मार करके वेरी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला और लिखो, बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स दिस विल बी इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एस वाई स्क्वायर, सो देयरफॉर एस एक्स अपॉन एस वाई, कभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई पूछा जाए तो इसका रेशियो ये होगा बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स का स्क्वायर, आया कैसे अभी समझा दें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डायरेक्ट पूछी जा सकती है आपसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, ये आएगा रूट बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स, रूट बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स, क्लियर है? यस सर, लिख लीजिए इसको। सर तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि बी एक्स वाई सॉरी वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई का जो प्रोपोर्शन है वो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स से इक्वल होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है, वो तो एक ही बात है, ये एस एक्स स्क्वायर क्या है वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई, ओके ये वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई का वही रेशियो होगा जो उनके रिग्रेशन कोएफिशिएंट का रेशियो, जो उनके रिग्रेशन कोएफिशिएंट का रेशियो, ठीक है? यस। तो ये एक डायरेक्ट पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको इस तरह से करना। चलिए पहले एक काम करते हैं, प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेते हैं ताकि वो आपका क्वेश्चन नंबर 20 उसी का बचा हुआ है। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोल रहा है वो चीज समझो, रिग्रेशन कोफिशियंट डज नॉट अफेक्ट, रिग्रेशन कोफिशियंट्स डज नॉट अफेक्ट विथ चेंज ऑफ ओरिजिन, बट अफेक्ट्स विद द चेंज ऑफ स्कीम। इफ यू इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन पी, वी इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन क्यू, देन बी एक्स वाई इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी यू वी, पी और क्यू इसकी स्केल, एंड सेकेंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी बी वी यू, तो ये इस तरह से निकलेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, रिग्रेशन कोएफिशिएंट डज नॉट अफेक्ट विद द चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्ट्स विद द चेंज ऑफ स्केल, लेकिन वो चेंज ऑफ स्केल पर चेंज होगा। इफ यू इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन पी एंड वी इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन क्यू, तो पी और क्यू के रिग्रेशन कोफिशिएंट और पी और क्यू के स्केल, तो ये इस तरह से है, लिख लीजिए इसको।
लिख लिया आप? यस सर। अब इस पे प्रॉब्लम किस तरह की बनेगी वो देखो। If the relationship between two variables, if the relationship between two variables x and u is u plus 3x equal to 10 and between two variables y and v is 2y plus 5v equal to 25 and regression coefficient of y on x known to be 0.80. Find the regression coefficient of v on u. तो हमें regression coefficient v on u निकाल। तो हमने क्या बोला? U plus 3x equal to 10. तो u इक्वल टू माइनस 3x प्लस 10। तो बेटा इसका जो स्केल आया वो आया बेटा -1/3। इसको समझो ध्यान से, इसका जो स्केल आया वो आया -1/3। क्यों? क्योंकि फॉर्म क्या था हमारा? u इक्वल टू x माइनस a अपॉन p, जो भी x का कोफिशियंट है उसका उल्टा। तो x का कोफिशियंट -3 है तो -1/3, ये हमारा पी आ गया। पी में कोई दिक्कत बेटा इसके स्केल में? बोलिए सर, एक बार और बताओ। बेटा जो भी एक्स का कोफिशिएंट आएगा उसका उल्टा, यू प्लस 3x इक्वल टू 10, यू इक्वल टू -3x प्लस 10, ये यू अकेला होना चाहिए। तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट आएगा उसका उल्टा आपका स्केल हो, ये -3 है तो इसका उल्टा, तो -1/3 इसका स्केल पी हो। ओके सर। अब सेकंड वाले से और ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने बोला 2y plus 5v equal to 25, तो 5v equal to -2y plus 25, 5 से डिवाइड कर दो तो -2/5y plus 25/5। अब बताओ इसका स्केल कितना हुआ q? देखे किसको समझ में आया? 5/2 -5/2 क्या होगा इसका स्केल? -5/2 आया। यस सर। अब ये स्केल आ गया आपका। अब हमारे पास क्या था? vyx इक्वल टू q अपॉन p vv, ये फॉर्मूला था। vyx इक्वल टू q अपॉन p vv, तो बी वाई एक्स की वैल्यू हमें गिवन है भाई 0.80, क्यू का वैल्यू -5/2 डिवाइड बाई पी का वैल्यू -1/3 बी वी यू, 3 ऊपर जाएगा 15/2 बी वी यू। चलिए निकालिए भाई बी वी यू की, 0.80 × 2/15 निकालिए वैल्यू क्या है, कैसे आएगा, क्या वैल्यू आ रही है? 0.1066। कितना? 0.10666। ये आपका VVU आ गया। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। और कर लेते हैं अभी एक प्रॉब्लम और कर।
इसको कॉपी करो। सर बोल। वेडनेसडे और सैटरडे को जो क्लास होती है डाउट क्लास, वो कल रहेगी या नहीं? कैसे रहेगी, कब लेंगे डाउट क्लास? इस टाइम पे तो क्लास रहेगी। हाँ फिर भाई सभी आपके एग्री हैं तो मैं तो सुबह लेने को तैयार हूँ क्लास, मैं तो फ्री रहता हूँ उस टाइम। भाई सभी एग्री होने चाहिए। अब उसमें क्या हो रहेगा कि बस फिर यदि सुबह लेंगे मॉर्निंग में तो फिर मेरी क्लास होगी बस मॉर्निंग में, उसके अलावा नहीं होगी क्लास, वो चक्कर। सर सुबह ले लो, क्या है ना कि क्लास सुबह रहती है तो नींद भी खुल जाती है कि क्लास है, वरना ऐसे कभी भी उठते रहो। नहीं फिर मैं ऐसा नहीं है, सुबह लूंगा तो फिर इवनिंग में भी लूंगा मैं, इवनिंग में फिर मेरी डाउट क्लास। इवनिंग में भी आप लोग चलेगा, कर लो ऐसे कर लेते हैं। भाई कितने, कोई किसी को दिक्कत है? एक बार मेरे को दिक्कत है तो वैसे लिख के भेज दो, नहीं तो कल से सुबह कर लेते हैं क्लास। ये देखो चित्रांश ग्रेट, सुबह डाउट क्लास ले लो। अरे क्या दिक्कत आ रही है बेटा चित्रांश? ये देखो अमर बोल रहा है अभी ठीक है। अरे यार बेटा नहीं हो पाएगा ये अभी है ना, 7 दिन तक वो ये मैनेज करना ही पड़ेगा। हाँ सही होंगे, वही करो यही इसी टाइम पे लो, क्योंकि अलग अलग व्यूज आएंगे, अभी पूछने का मतलब नहीं है। यस सुबह डाउट क्लास रख लेते, परसों रख लेते हैं डाउट क्लास मॉर्निंग में। डाउट क्लास तो रख ही सकते हैं सुबह, नहीं रख सकते हैं? हाँ डाउट क्लास रख लेंगे परसों के दिन, डाउट क्लास रख लेते ठीक है ना, ये डन। चलिए भाई दोबारा कनेक्ट करो, टाइम हो गया।